हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली फेम का एक एडवर्टाइजमेंट आया है। वहाँ पे दो लेस्बियन करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं कुछ रिव्यू देना चाहती हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कंटेंट राइटर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और क्रिएटिव हेड नीड सच काइंड ऑफ अ सेंसिटिव इशू लाइक लेस्बियन, LGBTQ और रिलीजियन, हिंदुत्व? व्हाई दे नीड सच काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट टू सेल देयर आइटम्स? क्या उनकी क्रिएटिविटी इतना भी खाली पड़ गया है कि उनको कुछ सूझ नहीं रहे कि हम किसके ऊपर ऐड बनाए, क्या लेके अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करें? बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे क्रिएटिविटी है जो आपके प्रोडक्ट को भेजे, लेकिन आपको ऐसे सेंसिटिव इश्यू ही क्यों चाहिए? तो मैं अब बताने वाली हूँ ये ऐड मेरे नज़र से गलत क्यों है। ओके, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक टी पाउडर का कंपनी है, आप लोगों को टी पाउडर बेचना चाहते हैं। तो सबको पता है, जो भी सिगरेट पीते हैं उनके एक हाथ में चाय रहता है, एक हाथ में सिगरेट रहता है, वो चाय पीते पीते सिगरेट पीते। आप ऐसे ऐड बनाए टी पाउडर बेचने के लिए, एक बंदा सिगरेट लेके पी रहा है और बीच में चाय पी रहा है। तो आप बोलेंगे, मैं तो चाय का पाउडर बेच रही हूँ, इसमें मेरा क्या गलती है? नहीं, आप तो साथ साथ में आप सिगरेट पीना भी सही है करके एंडोर्स कर रहे हैं। सिगरेट पीना या नहीं पीना ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर रहता है, उनकी मर्जी। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है, आपको टी पाउडर बेचना है, उसके रिलेटिव ही कंटेंट बनाना है। ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल, विच इज बैंड, विच इज अननेचुरल विषयों को लेकर नहीं आना है। सेकेंड थिंग, जो भी होमोसेक्सुअल है, LGBTQ वाले हैं, वो अपने मर्जी से बने हैं, कुछ हार्मोनल के प्रॉब्लम की वजह से बने हैं, जो भगवान का रिया हुआ स्थिति है। हम सब उसको सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, आप अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए होमोसेक्सुअल बनना बहुत ग्रेट है, जो भी सही बंदा है आप ही जाके होमोसेक्सुअल बनो करके आप एंडोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए भी मेरे पास और एक एग्जाम्पल है। जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, हम उसको बहुत सारे सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपने इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए क्या दिखा रहे हैं? आप फिजिकली चैलेंज्ड रहना, इट्स अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, गुड स्टेट ऑफ लाइफ। आप आओ, फिजिकली चैलेंज्ड बनो। आप ऐसे एंडोर्स कर रहे हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड है हम उसको सम्मान देते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली चैलेंज्ड इज कम्प्लीटली नेचुरल, वो अच्छा स्टेट ऑफ लाइफ है, अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है, ये नहीं है, राइट? तो मैं भी ये बोल रही हूँ, जो भी होमोसेक्सुअल है, लेस्बियन है, गे है, LGBTQ है, हम उनको सम्मान देंगे, लेकिन आप अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये मत एंडोर्स करो, ये मत प्रमोट करो, जो भी नेचुरल है, जो भी ठीक है, आप उनको एंडोर्स करके जाओ, जाके तुम भी होमोसेक्सुअल बनो करके एंडोर्स मत कीजिए, मजबूरी मत कीजिए। या ये होमोसेक्सुअल बनना सही है, सही स्टेट ऑफ माइंड है, सही स्टेट ऑफ लाइफ है, ऐसा तो मत प्रोजेक्ट कीजिए। एक्चुअली होमोसेक्सुअल इज वेरी अननेचुरल। जो सही है वो सही दिखाइए, डोंट मैनिपुलेट द थिंग्स, ओके? डोंट मैनिपुलेट द ट्रुथ। सो जो भी होमोसेक्सुअल है, उनको साथ में रहना है, करवा चौथ सेलिब्रेट करना है, वो उनकी मर्जी है, उनकी प्राइवेट लाइफ है, जो करना है वो लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, LGBTQ वो करेंगे, उनका दिमाग है वो करेंगे। लेकिन व्हाई यू पीपल आर एंडोर्सिंग? आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए LGBTQ का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल विषयों को लेकर ही आपका प्रोडक्ट को बेचना है? क्यों आपके पास कुछ और टॉपिक नहीं है, कुछ और क्रिएटिविटी नहीं है? क्यों ऐसे सेंसिटिव विषयों का सहारा ले रहे हैं? और एक बात, आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हिंदू धर्म रिवाजों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप एक ही धर्म को क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? क्यों आपको हमेशा हिंदू धर्म में जो भी रिवाज है वो सब गलत लगता है? बिलीफ्स, ब्लाइंड बिलीफ हर धर्म में रहता है, लेकिन आप हाथ धो के क्यों हिंदू धर्म के पीछे पड़े हो? जो भी हिंदू धर्म के रिवाज है, जो भी बिलीफ्स है, क्यों साबित कर रहे हैं जो भी बिलीफ्स है वो सब ब्लाइंड बिलीफ्स है? क्यों साबित कर रहे हो हर रिवाजों में कमी है और हर रिवाज को आपकी मैनिपुलेशन का जरूरत है? क्यों हिंदू धर्मों को रिवाज को गलत साबित कर रहे हो? क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो?
क्यों सच्चाई को मास्क करके उसको अपने अंदाज से, अपने नजरिया से, अपने व्यू में कुछ और मीनिंग दे रहे हो। एज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोगों को क्या पसंद आता है वो जो करते हैं, लेकिन आप कौन होते हो ऐसा गलत एंडोर्स करने वाले, रिवाजों को गलत प्रोजेक्ट करने वाले, सच्चाई को मैनिपुलेट करने वाले, LGBTQ का सहारा लेके अपने प्रोडक्ट बेचने वाले, LGBTQ का इमोशन को अस्त्र बना के हिंदुइज्म पे गोली चलाने वाले, आप होते कौन हो? तो फाइनली फैब के इस नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने अपने ओपिनियन दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड बाय।